राजधानी दिल्ली में पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहां पुलिस को रिश्वत की रकम न देने पर की गई प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड करने वाले युवक राजा बख्श का परिवार पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने कल्याणपुरी थाने के SI नवीन कुमार पर 3 किश्तों में 2,80,000 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। 11 दिन बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार ने पूर्वी दिल्ली उपायुक्त कार्यालय में शिकायत दी है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में 14 सितंबर को राजा बख्श नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिवार ने कल्याणपुरी थाने के SI नवीन कुमार पर आरोप लगाया कि नवीन कुमार मुकदमे का डर दिखाकर 3.5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे। मृतक के भाई अनिल ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसी तरह 2,80,000 रुपए 3 किश्तों में दिए थे। पुलिस उनके भाई पर लगातार बाकी रकम का दबाव बना रही थी, जिसके कारण उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इतना ही नहीं, भाई की मौत के बाद शव को जबरन एम्बुलेंस में रखवाकर गाजियाबाद तक 6 पुलिस वाले जबरन छोड़ कर आए थे। भाई यार थोड़ी लिखवाया हूँ, मैं तो समझौता के लिए बोला था। समझौता हो गया था? नहीं, मिलने SI नवीन कुमार ने मिलने ही नहीं दिया। मेरे को लात मारी, भगा दिया, कह रहा गाली दिया, कह रहा तू भी बंद हो जाएगा, कह रहा तू भी बंद हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ? बाद यही हुआ, पैसे के चक्कर में उसको मिलने नहीं दिया, मुझे भी भगा दिया, और ये मकान मालिक मांगने लगा, मजबूर कर दिया। तो उसने जो भी किया हो, मैं तो वहाँ था नहीं, मुझे शाम को देखा तो फांसी लगा रखी। तो आपका क्या मानना है, उसने क्यों सुसाइड किया? इन्होंने मजबूर करा उसको, अब पता नहीं है मारा है खुद क्या है, किया किसने? ये मकान मालिक ने, SI नवीन कुमार ने मिल के। अच्छा, क्योंकि SI नवीन कुमार की पूरी नज़र, ये 6 महीना पुरानी गाड़ी बुलेरो पे थी। कितने दिन हो गए उस बात को, और अभी आपने कहीं कंप्लेन दी है, क्या क्या है? नहीं, मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखी गई वहाँ। वहाँ पे फटाफट वही एक मेरे 100 नंबर कॉल करने से पहले एक पुलिस वाला आता है और कुंडी खोलता है, खोलने के बाद अंदर से गेट बंद कर लेता है, उसके सारे पेपर लेके, मोबाइल लेके, उस पर सब कुछ लेके चला जाता है। पीड़ित ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस दिल्ली आकर DCP कार्यालय में भी शिकायत दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और आरोपी नवीन अन्य आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।